हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो होप आज का संडे बहुत अच्छा है। इट्स रेनी वेदर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और मैं आप सबसे चाहता हूं कि इसको थोड़ा सीरियसली, थोड़ा पूरा वीडियो देखें। होम्योपैथी में अगर आपका इंटरेस्ट है, जो भी यदि होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेशेंट हैं, या अगर आप होम्योपैथी के बारे में थोड़ी भी जानकारी चाहते हैं, होम्योपैथी क्या है समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से होम्योपैथिक नमक से ट्रीटमेंट किया जाता है और कितने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। एक सादा नमक और होम्योपैथिक नमक में क्या डिफरेंस है, तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर आप लोगों से फिर से मेरा ये निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट है तो ये बहुत, हम लोग बहुत अच्छी जर्नी चल रही है। सो शुरू करते हैं। होम्योपैथिक नमक क्या है? डॉक्टर बर्नेट अपना 11th कारण जब स्टार्ट करते हैं कहना, तो वो पूरी ताकत के साथ स्ट्रांगली अपनी बात प्रस्तुत करते हैं कि यह जो केस है वो अपने आप में एक अनोखा और एकमात्र इकलौता केस है जो हिचकी के ट्रीटमेंट होम्योपैथिक नमक के थ्रू उन्होंने किया था। इसमें जो लेडी है, जो पेशेंट है, वो लगभग 50 साल की है, एज है, ईसाई चर्च से संबंधित है। उनके जो पति हैं वो ईसाई चर्च में काम करते हैं और वो उनकी नियमित पेशेंट हैं। और इस बार वो आती हैं कुछ बदहजमी का की कंप्लेंट लेकर के, थोड़ी कुछ बदहजमी है और कुछ लक्षण देती हैं जो कि नेट्रम्यूर से मैच करते हैं। और चूंकि उस दिन डॉक्टर बर्नेट थोड़े जल्दी में थे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए उन्हें लगा कि ये लक्षण नेट्रम्यूर के हैं, तो वो तत्काल उसे नेट्रम्यूर 6x प्रेस्क्राइब कर देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको सुबह शाम लीजिए। और 3 दिन बाद वो पेशेंट ठीक हो जाती है। तो क्या क्या कंप्लेंट थी जो ठीक हुई? उसको, उनको लगभग 10 साल से हिचकी चल रही थी, जो कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार हिचकी आती थी उन्हें, और एक बार में कम से कम 10 मिनट। और ये जो 10 मिनट हिचकी चलती थी, इसमें साउंड बहुत नहीं होता था, बहुत हल्का सा हिचकी, बट वो इतनी तेज होती थी, इतनी तीव्र होती थी कि अंदर से पूरा उसे पेशेंट को हिलाकर रख देती थी और बड़ा डिस्ट्रेसिंग, बहुत परेशान होता था पेशेंट, वो मरीज। और मात्र जो 10 साल की हिचकी है वो हम देखें तो 3 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाती है। जब हम उस केस के डिटेल्स में जाते हैं, अगली बार जब पेशेंट आता है फॉलोअप बताने, तो वो बताती हैं कि मुझे 10 साल पहले ये हिचकी शुरू हुई थी और तब मुझे किनाइन दिया गया था और उसके कारण मुझे ये हिचकी शुरू हुई थी जो उस समय से अभी तक चालू है। अब डॉक्टर बर्नेट से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये किनाइन के कारण हुआ है? तो वो पेशेंट बोलती हैं कि बोले मैं को इसके पहले भी ऐसा लगभग 3 बार हुआ है। उनको फेशियल टिक की प्रॉब्लम थी, फेशियल टिक मतलब इधर राइट साइड का फेशियल टिक था जिसमें स्पाज़म आ जाना, आंखों के फड़फड़ाना, इस तरह के कंप्लेंट्स होती हैं। तो उसके लिए जो डॉक्टर हेडन थे उन्होंने क्विनाइन प्रेस्क्राइब की थी और क्विनाइन पहले 2 बार जब उन्होंने ली तो उनको हिचकी शुरू हुई थी जो अपने आप ठीक हो जाती थी। तो वो 3री बार में भी जब वो उस कंप्लेंट के लिए जब डॉक्टर साहब के पास गई तो उन्होंने फिर से क्विनाइन लिखी, तो उस पर पेशेंट ने रेसिस्ट किया, सर मैं जब क्विनाइन लेती हूँ तो मुझे हिचकी आना शुरू हो जाती है, तो कृपया आप मुझे क्विनाइन मत लिखें। चूंकि उस समय जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट ऑफ प्लान वही था, तो उन्होंने फिर से उसे क्विनाइन दी और उसके बाद से जो उसकी जो कंप्लेंट लगभग 10 साल पुरानी बात है और 10 साल से लगातार हिचकी आना और उसी तरह से वो परेशान होती रही। और इसके कारण जो हिचकी ठीक हुई वो परमानेंट क्योर टाइप से हो गया उस पेशेंट को, कभी वापस फिर प्रॉब्लम रिकर नहीं हुई। ये जो पेशेंट थी ये डॉक्टर बर्नेट की पुरानी पेशेंट थी और उसे कई दूसरी कंप्लेंट्स के लिए भी कई बार डॉक्टर बर्नेट ने ठीक किया था, जिसमें सोर थ्रोट होना, चक्कर आना,
धड़कन बढ़ जाना, पाल्पिटेशंस हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए वो लगातार उनके संपर्क में थी। उसने पहले भी कभी कई बार उन्होंने हिचकी के बारे में बताया, मगर उन्होंने कई बार उसका उस पर इतना दिमाग नहीं गया या ध्यान नहीं दे पाए। और ये जो एक नेट्रम्यूर 6x देने के बाद जो सुखद परिणाम है वो जो है वो कोई बहुत वो बोलते हैं कि ये कोई मेरी स्किल के कारण या मैंने उसको ठीक किया, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ कोइंसिडेंट, एक आकस्मिक रूप से एक सुखद परिणाम आया। मगर ये जो परिणाम आया उसके बाद उसने डॉक्टर बर्नेट को बहुत सोचने पर मजबूर किया। एक बात तो हम लोग जानते हैं, सभी जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो एलोपैथिक क्विनाइन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि हिचकी जो है वो एक कॉमन साइड इफेक्ट है क्विनाइन का। ये शायद सभी मेरे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर मित्र भी जानते हैं या जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है वो लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। एलन्स एनसाइक्लोपीडिया में ये नोटेड भी है, बुक्स में भी मैंशनड है कि क्विनाइन का एक साइड इफेक्ट है हिचकी। तो अपन अब इस डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि अब हमने इस केस में क्या क्या सीखा, उन्होंने बिंदुवार उसको डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि टिक फेस टिक के लिए अगर आप क्विनाइन दे रहे हैं या क्विनाइन जो है उसका अगर इफेक्ट अपन देखें तो कई बार 10 साल तक भी रह सकता है, जैसा इस केस में हुआ, ठीक है। नंबर दो, नेट्रम्यूर 6x जो है वो एंटीडोट है क्विनाइन के इस तरह के किसी भी साइड इफेक्ट के लिए। नंबर तीन, जो सब्सटेंस है वो ड्रग डायनामाइजेशन के बाद में कोई साधा, नमक की बात करें हम, कि नमक तो हम लोग कितना नॉर्मली सब हर आदमी खाता है, मगर जब उसका ड्रग डायनामाइजेशन होता है होम्योपैथिक प्रोसेस से उसको अराउज किया जाता है तो उसका एक अलग ही नई प्रॉपर्टी, नई चीजें क्या ठीक कर सकता है, एक बहुत बड़ी वाइड रेंज हमारे को देखने को मिलती है। चौथी बात, जो नमक है सादा नमक, उस पेशेंट ने कई बार अलग अलग क्वांटिटी में, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, सी शोर पे रही है वो लेडी, तो वहां कई बार जो नमकीन हवा है उस तरह से कई तरह से नमक का सेवन अलग अलग क्वांटिटी में किया होगा, मगर सिर्फ होम्योपैथिक ड्रग डायनामाइजेशन के बाद नेट्रम्यूर 6x के रूप में जब उसे वो नमक गया तो वो एज अ मेडिसिन उसने एक अलग ही उसका इम्पैक्ट रहा और उसकी हिचकी ठीक हुई। नंबर पांच, डॉक्टर हैनेमैन की ड्रग डायनामाइजेशन थ्योरी कोई मिथ नहीं है, ये एक बहुत ही, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ड्रग डाइल्यूट करते गए, वो एक पूरा एक प्रोसेस है जिसको कि साइंटिफिक इवैल्यूएशन की जरूरत है, और यदि साइंटिफिक इवैल्यूएशन हुआ तो डेफिनेटली जैसे हमारा साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हम बहुत सारी डेवलपमेंट्स पिछले 100 सालों में हमने देखे हैं, कई जगह इसकी प्रूविंग्स भी हुई हैं, स्पेक्ट्रम्स पे भी चेक हुआ है, तो इसी तरह से और ज़्यादा अभी होम्योपैथी को जाँच की इवैल्यूएशन की जरूरत है। और फाइनली छठी बात, इससे ये प्रूव हो गई कि होम्योपैथिक ड्रग डायनामाइजेशन जो है वो होम्योपैथिक प्रॉपर्टीज निकालने का कोई भी एक मेडिसिन या जो एक इनर्ट सब्सटेंस है उसमें एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, हम एक बहुत बड़ी वाइड रेंज हमको देखने को मिलती है जो कि बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। डॉक्टर बर्नेट 11th केस को अपना कंक्लूड करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि बोले जो डायनामाइज्ड नमक, होम्योपैथिक डायनामाइज्ड नमक नेट्रम्यूर जो है उसने हमें मिरेकल दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप होम्योपैथिक ड्रग डायनामाइजेशन को आंखें खोल कर देखना चाहते हैं या आंखें बंद कर आगे निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम कई बीमारियों को, कई ऐसे सब्सटेंसेस जो प्राकृतिक रूप से इनर्ट हैं मगर होम्योपैथिक ड्रग डायनामाइजेशन के बाद में उनका एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला है, और कई बीमारियों को उन्होंने इतने पिछले लगभग 200-250 सालों में ठीक किया है और लगातार करते जा रहे हैं। सो डॉक्टर बर्नेट आखिरी में कंक्लूड करते हैं कि ये मेरा 11th कॉज है और ये मैं चाह कर भी एक हिचकी केस को शॉर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि इसने मेरे पूरे दिलो दिमाग को हिला दिया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अभी लगभग 39 कारण और हैं
बहुत कुछ सीखने का है आपको, मुझे, और हम लगातार सीखेंगे। तब तक आप टच में रहिए। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल है आइकन उसको क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहे। हम लोग टच में रहेंगे। सी यू सून। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।